हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एक्सेल के अंदर टेक्स्ट को टू कॉलम के अंदर कैसे सेपरेट कर सकते। इसके लिए आपको यहाँ पे जो भी टेक्स्ट को सेपरेट करना है आपको उस टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर देना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको ऊपर यहाँ पे डेटा के ऊपर क्लिक कर देना है। डेटा के ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम दिखाई देगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को हटा देना है और इसे यहाँ पे स्पेस के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे कोमा के ऊपर भी क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इसे फिनिश कर देना है। इसे फिनिश करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेक्स्ट यहाँ पे सेपरेट हो चुका है। अब आपका यहाँ पे जो भी टाइटल का नेम है आप यहाँ पे इसे चेंज कर सकते। मैं यहाँ पे इसे देता हूँ फर्स्ट नेम और इसे यहाँ पे देता हूँ लास्ट नेम। अगर आपको इस वीडियो से मदद होती है तो प्लीज दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।